आप सबको जय मसीह की। बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों के नाम का अर्थ और उनकी मृत्यु कैसे हुई इसके बारे में बताने वाली हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप हमारे बाइबल स्टोरीज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आइए प्रियो, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूहन्ना के बारे में देखते हैं। यूहन्ना के नाम का अर्थ है परमेश्वर दयालु या अनुग्रहकारी है। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला था, जिसे प्रभु यीशु सबसे ज़्यादा प्रेम रखते थे। यूहन्ना के सुसमाचार के 13 अध्याय के 24 वचन में लिखा है कि यूहन्ना प्रभु यीशु की छाती की ओर सिर रखकर बैठा करता था, और प्रभु यीशु ने यूहन्ना के विषय ही पत्रस से यह भी कहा था कि यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। प्रियो, प्रेरित यूहन्ना वृद्धावस्था में मरने वाला एकमात्र चेला था। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के कारण उसे रोमी शासकों द्वारा बंदी बना लिया गया तथा कोलजियम में लाया गया। प्रियो, कोलजियम रोम साम्राज्य का एक स्टेडियम था जिसे मनोरंजन के लिए बनवाया गया था, जहां उसे खौलते हुए तेल के हंडे में डाल दिया गया, लेकिन उस तेल से उसको कुछ भी हानि नहीं हुई। बल्कि इस घटना के बाद कोलजियम में बैठे कई लोगों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया और मसीह को ग्रहण किया। इसके पश्चात प्रेरित यूहन्ना को रोमी शासकों द्वारा पतमोस नामक टापू पर भेज दिया गया, जहां पर प्रभु यीशु ने उसे अंत के दिनों का प्रकाशन दिया, और वहीं पर उसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को भी लिखा। वृद्धावस्था के कारण उसे वहां से मुक्त कर दिया गया, जिसके बाद वह इफिसुस में आए, जहां उनकी सन 98 ईस्वी के कुछ समय के पश्चात प्राकृतिक मृत्यु हो गई। इसके बाद हम शमौन के बारे में देखते हैं प्रियो, जो पतरस कहलाता था। इसके नाम का अर्थ होता है चट्टान। प्रभु यीशु ने पतरस के विषय में कहा था कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। और जैसा प्रभु यीशु ने कहा था, प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद पतरस ने अपना सबसे पहला प्रचार किया, और उसके प्रचार से 3,000 लोगों ने प्रभु पर विश्वास भी किया और बपतिस्मा भी लिया, जिसका वर्णन आपको प्रेरितों के काम की पुस्तक के पहले से दूसरे अध्याय में देखने को मिल जाएगा। पतरस को ईस्वी सन 66 के आसपास सम्राट नीरो के शताब्दी के समय में उसी के कहने पर क्रूस पर उल्टा लटकाया गया। उसने कहा था, जिस तरह मेरा प्रभु क्रूस पर लटकाया गया, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मुझे भी वैसा ही लटकाया जाए, इसलिए मुझे क्रूस पर उल्टा अर्थात सिर नीचे पैर ऊपर करके लटकाया जाए। पतरस को रोम में वेटिकन सिटी में टाइबर नदी के पास क्रूस पर उल्टा लटकाया गया। ऐसा कहा जाता है प्रियो कि सम्राट नीरो, जो मसीही लोगों से काफ़ी नफरत करता था, उसने पहले पतरस के सामने उसकी पत्नी और बच्चों को मरवाया, फिर उसी के कहने पर उसे क्रूस पर उल्टा लटकाया। इसके बाद हम अन्द्रियास के बारे में देखते हैं। अन्द्रियास प्रेरित पतरस का छोटा भाई था। इसके नाम का अर्थ होता है बहादुर। जब प्रभु यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, तब अन्द्रियास वहीं था। वहां घटित घटनाओं से प्रभावित होकर अन्द्रियास प्रभु यीशु के पीछे हो लिया। इस तरह वह प्रभु यीशु का सबसे पहला शिष्य बना। अन्द्रियास ही ने अपने भाई पतरस को प्रभु यीशु के बारे में बताया, और उसके द्वारा पतरस भी प्रभु यीशु का शिष्य बना। अन्द्रियास को ईस्वी सन 60 के आसपास यूनान के एक शहर पत्रास में एक्स आकार के क्रूस पर बांधा गया। अपने भाई पतरस के समान वह भी अपने आप को इस योग्य नहीं समझता था कि उसे प्रभु यीशु की तरह मारे, इसलिए उसे एक्स आकार के क्रूस पर उसी के कहने पर कीलों से नहीं ठोका गया, बल्कि वहां पर उसे रस्सी से बांधा गया, जहां वह 3 दिन तक बंधा रहा। इस दौरान भी उसने प्रभु यीशु का प्रचार करना नहीं छोड़ा, और उस क्रूस पर लटके हुए वह आते जाते लोगों को सुसमाचार सुनाता रहा। कई लोग क्रोधित होकर उस पर पथराव भी करते थे,
लेकिन कई लोगों ने यीशु पर विश्वास भी किया। उस एक्स आकार के क्रूज पर लटके हुए 3 दिन के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हम जब्दी के पुत्र और यहुन्ना के भाई याकूब के बारे में देखते हैं। इसके नाम के कई अर्थ होते हैं, जैसे लुभाने वाला, पीछे रहने वाला और एड़ी आदि। इसकी माता का नाम सलोमी था, जो प्रभु की मृत्यु के पश्चात सुगंधित वस्तुएं लाने वाली महिलाओं में से एक थी। याकूब चेलों में शहीद होने वाला सबसे पहला शिष्य था। प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के पश्चात वह यरूशलेम में प्रचार कर रहा था, जहां हेरोदेस राजा ने उसे पकड़वा कर मंदिर के कंगूरे पर खड़ा करवा कर उसका सिर तलवार से कटवा दिया और उसे नीचे फेंकवा दिया। इसके बाद प्रियो, हम फिलिपुस के बारे में देखते हैं, जो गलील का निवासी था। इसके नाम का अर्थ होता है घोड़ों का दोस्त। यह प्रभु यीशु का दूसरा शिष्य था। प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद वह प्रचार करने एशिया माइनर गया, जिसे आज तुर्की कहते हैं। वहां उसने हिरापोलिस में कई दिन तक सुसमाचार का प्रचार किया, जहां सन 80 ईस्वी के आसपास सम्राट डोमिशियन ने उसे क्रूस पर उल्टा लटका दिया। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि जब उन्हें क्रूस पर लटकाया गया, तब एक भूकंप आया जिससे वहां के लोग घबरा गए। तब फिलिपुस ने उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की, जिसके बाद वहां खड़े लोगों ने उसको छोड़ने का आग्रह किया, लेकिन उसे छोड़ा नहीं गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हम मत्ती के बारे में देखते हैं, जो एक चुंगी लेने वाला था। इसके नाम का अर्थ होता है परमेश्वर का दान। मत्ती ने कई देशों जैसे इथोपिया, मैसेडोनिया, सीरिया में प्रचार किया। मत्ती की मृत्यु के विषय में कुछ परंपरा का कहना है कि वह प्राकृतिक मृत्यु मरा। कुछ कहते हैं कि इथोपिया में उसे तलवार से मारा गया, लेकिन कुछ का कहना है कि उसे इथोपिया के किसी राजा ने पहले बिस्तर पर कीलों से ठुकवा देने का आदेश दिया। उनके पूरे शरीर को कागज, गंधक, तेल, डामर तथा झाड़ झंकार से ढक दिया गया और आग लगा दिया गया। इस प्रकार मत्ती की मृत्यु हुई और वह शहीद हुआ। इसके बाद बर्तुलमै के बारे में देखते हैं। उसके नाम का अर्थ होता है तलमै का पुत्र, क्योंकि इब्रानी भाषा में बर का अर्थ होता है पुत्र और तुलमै उसके पिता का नाम था। बर्तुलमै ने भारत सहित कई देशों में प्रचार किया। इसने मत्ती रचित सुसमाचार का इब्रानी भाषा में अनुवाद भी किया था, जिसे वह भारत लाया। परंपरा के अनुसार बर्तुलमै को बारबूस राजा की आज्ञा से आर्मेनिया में ईस्वी सन 71 के आसपास चमड़ी उतारकर क्रूस पर चढ़ाया गया। फिर उसका सिर कलम किया गया और उसके पुत्र को समुद्र में फेंक दिया गया। इसके बाद हम थोमा के विषय में देखते हैं। इसके नाम का अर्थ था जुड़वा। यह वही चेला था जिसने कहा था कि जब तक मैं प्रभु यीशु के पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु जी उठे हैं। थोमा को दिदुमुस भी कहा जाता था। थोमा ने पहले मध्य पूर्व में प्रचार किया, फिर वह प्रचार करने भारत भी आया, जहां वह ईस्वी सन 49 के आसपास पहुंचे। वहां उन्होंने बहुत प्रचार किया और 7 कलीसियाओं की स्थापना भी की। थोमा ने उत्तर भारत, पंजाब, चीन और केरल तक प्रचार किया। जब वह मायलापुर की पहाड़ी पर प्रार्थना कर रहे थे, तब लोगों ने तंग आकर उन्हें भाले से भेद दिया। इस पहाड़ी को वर्तमान में थॉमस माउंट के नाम से जाना जाता है। उनके शिष्यों ने उन्हें चेन्नई के मायलापुर में दफना दिया, जहां एक भव्य चर्च बनवा दिया गया। थोमा को भारत का प्रेरित भी कहा जाता है। इसके बाद हम तद्दय के बारे में देखते हैं। उसे तद्यूस भी कहा जाता था। इसके नाम का अर्थ है हार्दिक। इसे यहूदा के नाम से भी जाना जाता था। तद्दय का नाम सुसमाचारों में शमौन के साथ आता है, क्योंकि कहा जाता है कि यह दोनों अच्छे मित्र थे। तद्दय ने आर्मेनिया में प्रचार किया, जहां उसे ईस्वी सन 50 के आसपास तीरों से भेदा गया। इसके बाद हम शमौन कनानी के बारे में देखते हैं।
इसके नाम का अर्थ है उसने सुना है। इसे शमौन जिलोतेस के नाम से भी जाना जाता था। माना जाता है शमौन पतरस से अलग पहचान देने के लिए उसे शमौन कनानी या शमौन जिलोतेस कहा जाता था। जब यह प्रभु का शिष्य बना तब उसकी उम्र 40 वर्ष रही होगी। ब्रिटेन के लंदन में भी प्रभु का प्रचार किया और कई आश्रयक्रम भी किए। उनकी मृत्यु के विषय परंपराओं की अलग अलग मान्यता है। कुछ का कहना है कि वह स्वाभाविक मृत्यु मरे, वही कुछ का कहना है कि उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। वही कुछ मानते हैं कि उनके शरीर के दो भाग कर दिए गए थे। जो भी हो, शमौन जिलोतेस को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार के कारण शहीद होने का सौभाग्य मिला। इसके बाद हम हलफई के पुत्र याकूब के बारे में देखते हैं। हलफई के पुत्र याकूब का जिक्र बाइबल में सिर्फ दो ही बार आया है। माना जाता है कि प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण के बाद याकूब ने यरूशलेम में यहूदियों के बीच प्रचार किया। फिर वह वहां की कलीसिया का पहला बिशप भी बना। हलफई का पुत्र याकूब जब यरूशलेम में प्रचार कर रहा था तब यहूदियों ने पथरवाह करके उसे मार डाला और वही मंदिर के पास उसे मिट्टी दी गई। कुछ का मानना है कि जब वह मंदिर के कंगूरे पर से प्रचार कर रहा था तब लोगों ने उसे नीचे ढकेल दिया, तब भी उसकी मृत्यु नहीं हुई तो लोगों ने उस पर पथरवाह करके उसे मार डाला। इस प्रकार हलफई का पुत्र याकूब शहीद हुआ। इसके बाद हम यहूदा इस्करियोती के बारे में देखते हैं। इसके नाम का अर्थ होता है स्तुति के योग्य। यह वही चेला था जिसने प्रभु यीशु को पकड़वाया था। यहूदा इस्करियोती के पास दान की थैली होती थी जिसमें से वह रुपए निकाल लिया करता था। प्रभु यीशु को पकड़वाने के बाद जब उसे पछतावा हुआ तो उसने वो 30 चांदी के सिक्के महायाजक के पास जाकर फेंक दिया और जाकर फांसी लगा ली। आशा करती हूँ प्रियो, यीशु मसीह के 12 चेलों की सेविकाई और प्रभु यीशु मसीह के लिए उनकी शहादत के बारे में जानकर आपको आशीष मिली होगी। जिस तरह प्रभु के शिष्यों ने सुसमाचार के लिए हंसते हंसते अपना बलिदान दिया, वैसा ही प्रियो हमें भी सुसमाचार के कारण दुख उठाने के लिए हमेशा तैयार रहना है, क्योंकि प्रभु ने कहा था कि जो कोई मेरा चेला होना चाहता है वह अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस स्वयं उठाए। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। आमीन।